नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जलेबी में। दोस्तों, आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि बॉडी वॉश ज़्यादा बेहतर है या फिर साबुन। जी हां दोस्तों, आजकल प्रचलन साबुन को छोड़कर लोग बॉडी वॉश की तरफ बहुत तेज़ी से मूव कर रहे हैं। बॉडी वॉश का प्रयोग करते हैं दोस्तों नहाने में, और मल मल के खूब नहाते हैं और तरह तरह के ऐड भी आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ इन दोनों में कौन सा ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, यदि आप बॉडी वॉश का प्रयोग करते हैं नहाने के लिए, तो मैं आपको बता दूं इससे पानी की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, क्योंकि ये आपकी स्किन को जल्दी नहीं छोड़ता है, जिसके कारण आप बाल्टी पर बाल्टी नहाते चले जाते हैं, तब जाके कहीं आपके ये स्किन को सही से छोड़ पाता है। वहीं साबुन दोस्तों जब आप प्रयोग करते हैं, तो साबुन को बहुत ही आसानी से आप हटा लेते हैं अपने शरीर से, तो इसके कारण दोस्तों पानी की बचत होती है। साथ ही साथ दोस्तों, बॉडी वॉश को लगाने से दोस्तों आपकी स्किन भी ज़्यादातर ड्राई होती है, और कई बार तो ये स्किन को ही पकड़े रहता है, आप ज़्यादा पानी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं इसको हटाने के कारण। इसलिए आपकी बॉडी पे ही बॉडी वॉश के जो केमिकल्स होते हैं, इसका जो जेल होता है, वो आपके शरीर पर ही लगा रह जाता है। और ज़्यादा देर तक दोस्तों आपके शरीर पर जब ये लगा रहता है, तो उस पर्टिकुलर एरिया की जो सेल होती हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है। ऐसी स्थिति में दोस्तों स्किन वहाँ पर ड्राई होने लगती है, डेड होने लगती है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि बॉडी वॉश और साबुन दोनों में से यदि आपको चुनना है, तो आप साबुन यूज़ करें, वो ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा किफ़ायती है, ज़्यादा सस्ता भी है। साथ ही साथ दोस्तों, ये पानी की बर्बादी भी कम होती है और आपकी स्किन के लिए भी घातक नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि आप साबुन जब भी प्रयोग करें, तो वो अच्छा होना चाहिए, हर्बल होना चाहिए, आयुर्वेदिक होना चाहिए, ताकि आपके शरीर पर इसका किसी भी तरह से कोई बुरा प्रभाव ना पड़े। हो सके तो दोस्तों इंटरनेट पर देखकर आप अपने घर वालों के लिए, अपने लिए प्रयोग के लिए साबुन स्वयं भी बना सकते हैं। काफ़ी सस्ता और काफ़ी अच्छा होता है, इसके लिए आपको मार्केट में जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, यदि पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए दोस्तों। धन्यवाद।